हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाला इसका टेक्सचरिंग कैसे करते हैं और प्रॉपर रिफ्लेक्शन कैसे देना है, वो सब आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में आप इसका लाइटिंग बताऊंगा कैसे करना होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मटेरियल जो भी डालना है यहाँ पे, अभी जैसे हमने यहाँ पे सारे कैमरे सबसे पहले ऑफ कर दूंगा मैं, यहाँ पे कैमरे ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। लाइट हमने कुछ डाला नहीं है और अभी इसको मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, मटेरियल के लिए आपको एम प्रेस करना है, मटेरियल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया वॉल, ठीक है, ये वॉल आ गया हमारा। अभी वॉल को जो टेक्सचर है सबसे पहले उसे हम टेक्सचर देना है। जैसे ये वॉल हमने दिया यहाँ पे, ये भी लिया, और हमारे ये वॉल को टेक्सचर जो वाइट दूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको डिफ्यूज कलर में यहाँ पे दूंगा 220। पूरा वाइट नहीं देना है आपको, अगर फुल वाइट दे दोगे लाइटिंग करेंगे तो आपका वॉल और बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे 220 या 230 इतना अमाउंट दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, इससे मैं मार्बल का टेक्सचर देना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैंने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद इसके बाद आपको सबसे पहले एक अलग से बॉक्स लेना है यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे जाना है डिफ्यूज में, यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको आना है बिट मैप, और आपके पास जो भी पाथ है मैंने इसे मार्बल का पाथ यहाँ पे पेस्ट किया, आपको कौन सा मार्बल देना आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आप वहाँ पे अलग अलग, जैसे मुझे ये डार्क देना है ये, ठीक है, या तो आप जो भी दे सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो टेक्सचर रहेगा आप वो दे सकते हो, इसे मैं यहाँ पे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे अप्लाई किया, देन इसे मैं यहाँ पे यूवी मैप दिया, ठीक है, इसे बॉक्स किया, ओके। ये अभी हमने यहाँ पे दे दिया, लेकिन मुझे इसमें क्या चाहिए, टाइल्स जो मार्बल होता है इतने बड़े बड़े हाइट के नहीं आते, उसमें ग्रू लाइंस आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें ग्रू डालना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसमें हमने अप्लाई कर दिया, तो आपको इसके अंदर जाना है, यहाँ पे जाना है, आपको लेना है टाइल्स, ठीक है, आपको कोरोना में जाना है, सॉरी आपको यहाँ पे आना है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है, हमने इसमें गए, देन आपको आना है बिट मैप में, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टाइल, ठीक है, आप देखेंगे टाइल्स करके, इसे मैंने ओके किया, देन ओके किया, तो इससे क्या हो जाएगा, मैं इसको ऑफ कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस मैन है, आपने जो हमने टाइल्स लिया था इसको मैं यहाँ पे स्विच कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको बड़ा करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा करके इसे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन उसके बाद जो हमने टाइल्स इसके अंदर डाला, अभी मुझे इसके अंदर ग्रू चाहिए टाइल के अंदर, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको अप्लाई करता हूँ सबसे पहले। अभी आप यहाँ पे देखें टाइलिंग कैसे थिक टाइल आ रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ फेड है यहाँ पे 0-0 रखना है आपको, देन यहाँ पे अमाउंट है 0.1, ठीक है, आप देखेंगे ग्रू लाइन जो हो गया एकदम कम हो गया, ठीक है। अगर आपको अभी भी अगर ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 0.08, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे फिलहाल 0.1 रखता हूँ, अगर ज़्यादा लगेगा रेंडर के टाइम तो मैं उसे कम कर दूंगा। और अभी इस टेक्सचर को मैच करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अलग से उसका कलर लेना होगा। कलर लेने के लिए आपको क्या करना है, ये टेक्सचर पे यहाँ पे क्लिक करना है, कलर पे, देन आई ड्रॉप लेना है, और इस मटेरियल को आप ओपन करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे जो भी टेक्सचर डार्क कम ज़्यादा रहेगा, जैसे अभी मैं ये लेता हूँ ग्रुप, ताकि उससे मैच हो जाए, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो जो प्रोसीजर यहाँ पे हम करते हैं रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन ऑन किया यहाँ पे, और इसमें मार्बल में क्या होता है ग्लॉसीनेस ज़्यादा होता है, इसे मैं 85 किया, ये हो गया हमारा, देन इसे यहाँ पे 2 किया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी टेक्सचर को आपको बम्प में पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे किया कॉपी पेस्ट, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या होगा कि जो मैंने मार्बल दिया उसमें भी बम्प आ जाएगा, ठीक है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लू लाइन का बम्प चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँ, टेक्सचर को मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, ऑफ करने के बाद क्या होगा, मेरा सिर्फ वही ग्रू लाइन आएगा इसमें, ठीक है, ये हमारा हो गया मार्बल का टेक्सचर। उसके बाद यहाँ पे जो भी टाइलिंग करना है आपको, आपको कितने बाय कितने का चाहिए, आपको इसे मैंने सिलेक्ट किया, जो भी मैं आपको इसको देना है प्रॉपर, जैसे आपको बड़ा टाइल चाहिए आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हो, इसमें यहाँ पे देता हूँ 3000, यहाँ पे भी दिया 3000, यहाँ पे भी दिया 3000 mm, ठीक है,
ये हमने यहाँ पे दे दिया, और मैं इसको गिज़मो सिलेक्ट करके यहाँ पे जो टाइल्स है इसको मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ रखता ताकि ये प्रॉपर ऐसे लगे मैच हुआ हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मैच कर दिया इसे। आप इसी तरह मैच भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैच नहीं हो रहा है तो उसकी कोई बात नहीं है, तो आप क्या अगर एडजस्ट कर सकते हो उसको जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, और हमें जैसे बड़े बड़े टाइल्स चाहिए इसलिए मैंने ये मैपिंग किया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी रह गया यहाँ पे, मैंने वॉल को टेक्सचर दे दिया। अभी यहाँ पे है मिरर। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसे मैं ब्लैक कर दूंगा यहाँ पे हल्का सा ग्रे, और इसे मैं अप्लाई करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वन, मैं यहाँ पे मिरर दे रहा हूँ मैं, और इसे दूंगा 30। ठीक है, फुल मिरर का फील आएगा यहाँ पे। अगर आपको वाइट चाहिए, ग्रे चाहिए, कैसे मिल चाहिए, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हल्का सा ग्रेज रखना है और इसे फ्रेम को देना है। अभी फ्रेम को जो टेक्सचर रहेगा, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टैप को टेक्सचर है इसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर इसका टेक्सचर मुझे पता कहाँ भी कैसे पूरा ये ऑब्जेक्ट पॉली में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया सेगमेंट, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसे चेक करूँगा आईडी, 7 नंबर की आईडी इसको अप्लाई हुआ। ठीक है, ये 7 नंबर की आईडी है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया। देन इस फ्रेम को अभी क्या करूँ, बैक जाता हूँ यहाँ पे, 7 नंबर को यहाँ पे मैंने कॉपी किया। देन यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा फ्रेम ताकि मैं पता चले, और इस फ्रेम को मैं सेम टेक्सचर दूंगा यहाँ पे। फ्रेम को सिलेक्ट किया, इसे यहाँ पे मैंने टेक्सचर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अभी ये ग्लास का टेक्सचर ऑलरेडी हमने रेडीमेड लिया था, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। इसमें गया, ठीक है, इसमें टेक्सचर प्रॉपर है। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम रेंडर करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये ग्लास मतलब ग्लास कैसा आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे कॉपी किया, सॉरी इसको मैं सिलेक्ट कर आइसोलेट किया, और इसको मैं यहाँ पे मटेरियल पिक करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये भी परफेक्ट है। देन उसके बाद आ गया फ्लोरिंग। ठीक है, अभी हमें फ्लोरिंग में टेक्सचर देना है। ठीक है, दोनों फ्लोरिंग को मुझे सेम टेक्सचर देना है। उसके बाद आ जाता है डोर। अभी से डोर फ्रेम है, मुझे वाइट है, तो मैं इसको क्या करूँगा, वुडन का फ्रेम दूंगा, या तो यहाँ पे जो सेम मार्बल दिया मार्बल का भी आप फ्रेम दे सकते हो इसे, जिसे भी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको आइसोलेट किया, और दोनों को मुझे सेम यहाँ पे टेक्सचर देना है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे गया, इसको कॉपी यहाँ पे दिया ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं। अभी इसे टाइलिंग चाहिए तो आप, मैंने कॉपी किया, अगर आपको पूरा एक साथ देना है इसको भी, मैं टाइलिंग यहाँ पे चाहिए तो क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ पे इसको न्यू, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं जो टाइल्स दिया हुआ इसे मैं यहाँ पे मैप चेंज करूँगा इसका, कि मुझे अलग मैप चाहिए फ्लोरिंग में, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। ठीक है, मैंने ये मैप लिया, देन इसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आ जाता है यूवी मैप, लेकिन यूवी मैप मुझे कब देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको यूवी मैप दिया है तो मैं इसे फिलहाल के लिए डिलीट कर दूंगा यहाँ पे सारे यूवी सिलेक्ट करके इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट। अभी ये यूवी मैप और ये जो यहाँ पे मैंने फ्लोरिंग को टेक्सचर दिया हुआ है उसको मैंने सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे इसको भी सेम टेक्सचर जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद क्या, दोनों को सिलेक्ट करके इसको यूवी मैप देना है आपको, उसका भी रीजन आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, क्या है इसमें, समझो मुझे जो भी टाइलिंग देना है यहाँ पे दोनों का टाइल मैच होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जैसे जो भी अमाउंट आया, अभी जो भी यहाँ पे देखो टाइल आया है वही टाइल यहाँ पे भी आएगा। अभी आपको मैं यहाँ पे इसका टाइल का दिखा देता हूँ कैसे होता है। मैंने इसे अप्लाई किया, आप देखेंगे कि जो ग्रू लाइन है वो सेम मैच हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों को टेक्सचर अलग, लेकिन दोनों को यूवी मैप आपको सिलेक्ट करके एक ही देना है, तो उससे क्या होगा प्रॉपर वो मैच हो जाएगा उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन इसके बाद आ जाता है इसको, इसको हमें क्या टेक्सचर देना है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया ऑलरेडी, हम लोगों ने मर्ज किया हुआ था तो इसको ऑलरेडी टेक्सचर रहेगा।
तो इसे मैं डायरेक्ट रेंडर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कैमरे में गया, कैमरे में आने के बाद यहाँ जैसे कुछ प्रॉप्स भी आप रख सकते हो जो बाथरूम के रिलेटेड होते हैं, जैसे बॉटल्स हो गए, शैम्पू बॉटल्स हो गए, टॉवल रख सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गए विंडो ग्लास जो है बाहर का है विंडो, उसे हमें टेक्सचर देना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया ऑलरेडी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको फ्रेम का टेक्सचर दे देता हूँ मैं, जैसे हमारा फ्रेम का टेक्सचर दिया, और इसे हमें ग्लास का टेक्सचर देना है यहाँ पे विंडो। ठीक है, और यहाँ पे मैं देना है वाइट, या तो आप ब्लैक दे सकते हो फुल, देन यहाँ पे वन। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का इसका रिफ्लेक्शन वन। ठीक है, इतना हो गया। अभी इसके बाद रह गया, अभी हमें देना है फ्रेम को देना है, जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने डोर को, इसको सिलेक्ट किया, आइसोलेट किया, अभी सबको सिलेक्ट करके मुझे देना होगा वुडन का टेक्सचर। ठीक है, अभी इंटरनल साइड ऐसा होता है, अभी ये व्यू में दिख नहीं रहा इसलिए मैंने हैंडल नहीं लगाया, नहीं तो आपको हैंडल की लॉक होता है आपको वो यहाँ पे देना पड़ता था। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ डिफ्यूज में गया, आपको जाना है बिट मैप में, ठीक है, मैक गया यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वुड, सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसमें कोई भी एक टेक्सचर ले लेता हूँ मैं डोर के लिए। ठीक है, इसे मैंने यहाँ टेक्सचर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर दूँगा, इसको ऑन कर देना रियल वर्ल्ड, देन आपको यूवी मैप अप्लाई करना है बॉक्स। ठीक है, हमने ये दे दिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट, यहाँ पे देखें आप शेड आ रहा है, ठीक है, आपको स्वीप सिलेक्ट करना है और देन आप नीचे आ जाएंगे, स्मूथ का ऑप्शन होता है, इसे ऑफ कर देना है इसे। ठीक है, और इसमें मुझे अभी क्या ऐड करना है, रिफ्लेक्शन, इसी में कर देना वन, तो 0.5 यहाँ पे करूँगा 0.85। ठीक है, ये अभी परफेक्ट हो गया यहाँ पे। अभी क्या करना है, कैमरे में गया, कैमरे में सिलेक्ट किया, ठीक है, आइसोलेट हाइड कर रहा है यहाँ पे, और ये सीलिंग में जो है इसे हम वाइट देंगे, वॉल का जो टेक्सचर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी आप देखेंगे परफेक्ट जो होता है, एकदम प्रॉपर जो हमें लगता है कि ऐसे ही चाहिए, एकदम परफेक्ट हमारा बाथरूम में बन चुका है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट नहीं देखे, आप यहाँ पे स्पॉटलाइट अलग से बना भी सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे भी एक देना पड़ेगा, और जैसे लाइट है उसमें जब लाइटिंग करूँगा इसका, तो आपको उसका भी बता दूंगा कैसे कैसे आपको करना होता है। ठीक है, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा ये टेक्सचरिंग का पार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका लाइटिंग बताऊंगा कि लाइटिंग कैसे करना होता है, और कैसे, बहुत लोगों का मैसेज आता है कि सर ये पूरा एक रूम पैक होता है उसका लाइटिंग कैसे, जैसे बाथरूम हो गया, छोटा सीन हो गया, तो उसमें आप लाइटिंग कैसे करोगे, तो इसके लिए मैंने, वही मेरा पर्पस था कि इसका व्यू कैसे बनाएं, उसके लिए मैं बना ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और मुझे इसको चेक करना आईडी क्या, 5 नंबर आईडी है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा आईडी में 5 नंबर, इसको अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको क्या अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये टेक्सचर यहाँ पे इसको अप्लाई किया स्टोन का। अभी इसमें मैं क्या करूँ, इसे मैंने एंगल दिया, अभी एंगल में क्या लग रहा है, यहाँ पे बॉटल्स कुछ तो प्रॉप्स चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसी में मैं मर्ज कर लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो कैमरे में जाना है आपको, और नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका लाइटिंग बताऊंगा, अभी इस पार्ट में सिर्फ टेक्सचरिंग बताया, यहाँ पे कुछ प्रॉप्स रख देता हूँ एक दो, वो मैं रख के आपको फिनिश करता हूँ ये वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको उसका लाइटिंग बताऊंगा। तो आपको आना है फाइल में, देन इंपोर्ट में, देन मर्ज। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है फाइल, इसे ओपन किया, इसे अलग अलग आप डेटा भी बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी गिरेगा। प्रॉप्स के फोल्डर अलग अलग होना चाहिए, टॉयलेट के, बेड के, सोफ़ा के अलग, तो एकदम ईजी गिरता है आपको। इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर का भी सेम प्रोसेस है, जितना ज़्यादा डेटा उतने अच्छे आउटपुट आपके पास, उतने कलेक्शन होंगे, तो आप उसी तरह से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया, अभी मुझे कुछ प्रॉप्स चाहिए, टॉवल चाहिए था, तो मैं यहाँ पे टॉवल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, देन यहाँ पे बॉटल चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ऐसे आप अगर स्टॉक अगर आप बना के रखते हो, एकदम ईजी वे है ये। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे वेट मशीन अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, तो सबसे पहले एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे रखता हूँ प्रॉप्स में के अंदर, और यहाँ पे इसे मैं आइसोलेट करता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे रखना है, मैंने सेलेक्ट किया, देन इसे यहाँ पे बॉटल्स मुझे कुछ यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इसे रख दूँगा, फ्रंट में गया। ठीक है,
इसे अलाइन करके यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये हो गया। नीचे टॉवल यहाँ पे रखना, टॉवल तो ऊपर तो रहेगा नहीं, तो हमें टॉवल को नीचे रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे रोटेट कर दूँगा, सॉरी आप यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसे ट्रे के अंदर है टॉवल, ये जैसे यहाँ पे टॉवल रखा हुआ है इसे भी मैं रख सकता हूँ। एक फिलहाल वहाँ पे ऊपर में ये दो बॉटल रखता हूँ मैं, यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉटल रखा इसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसे ट्रे के है ऑप्शन, ट्रे के अंदर सिलेक्ट किया, जैसे ये पोर्टल बहुत बड़ा आ रहा था, मैं क्या करूँ, सिलेक्ट किया, देन आपको स्केल डाउन कर देना है, यहाँ पे किया, देन अभी जैसे अभी इसमें से अभी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर दूँगा, यहाँ से डिलीट किया, देन लेफ्ट में गया, सारे बॉर्डर को सिलेक्ट किया और इसमें यहाँ पे रखा, ठीक है। अभी यहाँ पे रखने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है प्रॉपर है कि नहीं, उसके बाद ही अभी मैंने रोटेट किया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। देन आपको कैमरे में गया मैं, अब देखिए कैमरा अभी यहाँ पे परफेक्टली बैठ गया है, यहाँ पे मैं गया और इस टॉवल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखा, ठीक है, ये हो गया। इसे एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहे ऑब्जेक्ट, तो बहुत पीछे ले लेता हूँ मैं इसके, ठीक है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद है, आप देखेंगे प्रॉपर प्रॉप्स के साथ भरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी लाइटिंग कैसे करना है, एंड थैंक यू सो मच गाइज़।